बीएसटीसी परीक्षा परिणाम से जुड़े समस्त साथियों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज आप सुबह से ही काफ़ी उत्साहित थे परीक्षा परिणाम को लेकर, लेकिन परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है आपका। इसकी सही और सटीक सूचना हमने आपको सुबह ही दे दी थी। हालांकि काफ़ी खबरें सुबह से वायरल हो रही थी कि बीएसटीसी का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा, लेकिन हमने आपको सुबह ही ये प्रमाणिक न्यूज़ दे दी थी कि जो आपका परिणाम है वो जुलाई के अगले जो नेक्स्ट वीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक है, उसमें जारी होगा। तो इस प्रकार से हमारे चैनल की प्रमाणिकता पहले ही सिद्ध हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें साथियों, इस वीडियो को जो बनाने का उद्देश्य है वो आज जो वायरल खबर थी उसके संबंध में आपने जितने भी कमेंट किए हैं उन सभी कमेंटों को रिप्लाई करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को केवल मेरे वही साथी बंधु देखे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी प्रत्येक कमेंट का आज इस वीडियो में मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं वो भले ही इस वीडियो को स्किप कर दें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, यदि वो जानना चाहते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से परीक्षार्थियों की क्या आवाज़ है, क्या मांग है, क्या वो चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो केवल सकारात्मक सोच वाले ही देखें और सकारात्मक सोच के व्यक्ति हमारे साथ जुड़ें। तो साथियों, अब मैं ले चलता हूँ आज आपको आपके कमेंट्स की तरफ। जो आज आपने कमेंट्स किए उन कमेंट्स को मैं एक एक का रिप्लाई कर रहा हूँ। साथियों, जिन जिन साथियों के कमेंट में पढ़ रहा हूँ ये हमारे काफ़ी निजी साथी हैं और ये हमसे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए, इसलिए इनकी प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आप सभी साथियों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप अपने अपनी कमेंट को देखते चलिए। सबसे पहले हमारे जो साथी नरेश कलाल जी हैं वो पूछ रहे हैं, तो उनका हाँ रिप्लाई था, उन्होंने किसी क्वेश्चन का जवाब दिया होगा, नरेश जी समझ चुके होंगे। नई दुनिया साथियों, अपनी मेल आईडी यदि आपने ऐसी बना रखी है तो आप थोड़ा अपना मैंने पहले कर रखा नाम और एड्रेस ज़रूर लिख दें, जिससे हम आपको कुछ थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इससे अगली हमारी जो उदय लाल जी हैं उनकी तरफ से है, और वो भी कुछ अपनी कमेंट में पूछ रहे हैं। दुर्गा सोलंकी जी ये कह रहे हैं, थैंक सर न्यूज़ देने के लिए, इन्होंने जो हमें आज सुबह न्यूज़ दी थी उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। संजय बबल जी पूछ रहे हैं सर कब तक आएगा। तो संजय जी, स्पष्ट है जुलाई के फर्स्ट वीक में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 जुलाई तक आप इंतज़ार करिए, आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। भारत भूषण जी भी पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब आने वाला है। भारत जी, 5 जुलाई तक इंतज़ार करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं कि नाइस सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपको, आपने हमारी वीडियो को लाइक किया। शांतिलाल प्रजापत जी पूछ रहे हैं रिजल्ट कब जारी होगा। शांतिलाल जी, 5 जुलाई तक आप वेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। भागचंद चावला, कब होगा सर SC 370। भाई 370 SC में है तो आप डेडलाइन पे हैं भागचंद जी, चांसेज हैं, आप काउंसलिंग आपको ज़रूर करानी है, सिलेक्शन आपका बिल्कुल ये समझिए आप कट ऑफ लाइन पे हैं। दीपक गुजर जी की नेक्स्ट कमेंट आ रही है, पूछ रहे हैं कब आएगा। दीपक जी, इंतज़ार कीजिए, 5 जुलाई तक 100% आ जाएगा रिजल्ट का मामला। आप इतने उत्साहित भले ही ना हो, परीक्षा परिणाम है, विभाग की अपनी खुद की समस्याएं होती, काफ़ी टेक्निकल मिस्टेक भी देखनी होती, इसलिए रिजल्ट 5 जुलाई तक आपका शोर है। पायल कुमारी मीना ये पूछ रही, सर मैंने BA एडिशनल की है तो मुझे रीट में कोई फ़ायदा मिलेगा क्या। भाई BA एडिशनल वालों के लिए बता दूं कि जो एडिशनल सब्जेक्ट से करते हैं तो रीट में तो फ़ायदा क्या मिलेगा। लेवल 2 में आप जो योग्य होते हैं BEd में, जनरल सब्जेक्ट के लिए होते हैं। हाँ, यदि आप इंग्लिश से मान के चलो देना चाह रहे हैं तो फ़ायदा मिलेगा, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और इसमें स्पष्ट हो चुका है कि जब आप सेकेंड ग्रेड में एडिशनल, आपको बता दूँ एक बार कोर्ट के डिसीजन में उन्होंने कहा था ही कि भाई एडिशनल वालों को योग्य नहीं माना जाएगा, लेकिन एडिशनल डिग्री राजस्थान में अब मान्य, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात क्लियर कर देता हूं, दिक्कत आएगी लेकिन आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान का ये ट्रेंड है कि कोई भी लीगल चीज चाहे कुछ भी सही है लेकिन वो लीक से हटके है, एक परंपरा से हटके है, तो उसके लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हमारे साथी हैं, इन्होंने भी इनकी कमेंट का रिप्लाई किया, फायदा मिलेगा। तो नई दुनिया, आप बंधु अपना एड्रेस और नाम दे तो आपको अच्छी तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। विक्रम जी कह रहे हैं नाइस सर थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपको, ऐसी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं के लिए हम जो है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। अगली जो हमारी कमेंट आ रही है युवराज जी की तरफ से, पूछ रहे हैं सर BSTC का रिजल्ट, युवराज जी 5 जुलाई तक इंतज़ार कीजिए, श्योर आएगा, आपको हम ये झूठा आश्वासन नहीं दे सकते कि रिजल्ट कल ही आ रहा है। युवराज जी पूछ रहे हैं सर BSTC के बाद
भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। बीए के साथ बीएसटीसी कर सकते हैं, बीएड दोनों डिप्लोमा एक साथ नहीं होगा। अगली जो हमारी कमेंट आ रही साक्षी टटेर जी की तरफ से, सर रिजल्ट कब आएगा? साक्षी जी रिजल्ट 5 जुलाई तक निश्चिंत रहिए। साक्षी टटेरी पूछ रही, सर मैंने पीटीटी एग्ज़ाम दिया, मेरे 405 मार्क्स आए, तो काउंसलिंग लास्ट डेट 5 जुलाई है, तो मैं क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट मी। साक्षी जी आपको बता दें कि पीटीटी का एग्ज़ाम दिया, 405 मार्क्स बहुत अच्छी मार्किंग है और आपको अपनी मनपसंद का इच्छित कॉलेज भी मिल जाएगा। यदि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आप कंपटीशन फेस कर सकते हैं, तो आप बीएड कर लीजिए, क्योंकि बीएड का भी कोई मुकाबला नहीं है। बीएड वालों को भी हो सकता है, हमने एक वीडियो आपको बनाई, वो आप देख लेना, हमने एक बनाई है कि जिसमें हो सकता है यूपी सरकार ने बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में एलिजिबल कर दिया है, हो सकता है राजस्थान सरकार भी इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, क्योंकि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को फॉलो करती हैं। तो मेरी तो आपसे सलाह यह है कि यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं और कंपटीशन फेस कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीटीटी ही कराइए। रिजल्ट का आंसर हम इनका दे चुके हैं। प्रदीप चौहान जी पूछ रहे हैं, पेमेंट फेल्ड बता रहा है, मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए बैंक में, मेरा 5200 है। भाई 5200 है, फेल्ड तो मिनिमम आप 500 रुपये करेंगे तब भी नहीं बताएगा, लेकिन 5000, ये कोई टेक्निकल मिस्टेक है, 5200 में 5000 की जो डिडक्शन है हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा पीटीटी के सर्वर की मिस्टेक चल रही है, और काफ़ी जो बंधु हैं उनकी कमेंट भी इस संबंध में आई है, जिनका ट्रांजेक्शन फेल्ड बता रहा है, तो आप के अकेले की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई आपके बैलेंस की प्रॉब्लम है, ये तो पीटीटी की स्वयं सर्वर की मिस्टेक है, जो कि एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगी। कविता बलोच जो कह रही हैं, थैंक्स सर, कविता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार के सकारात्मक सोच के व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपके स्वयं के संस्कार होते हैं जिस जो आपके यहाँ कमेंट बॉक्स पे झलकते हैं। शर्मू परमार जी पूछ रहे हैं, नाइस वीडियो, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मू जी आपका। अगली हमारी कमेंट है दलवीर सिंह, तो दलवीर सिंह जी पूछ रहे, सर प्लीज़ बताएं फिर कब आएगा। दलवीर जी 5 जुलाई तक इंतज़ार करिए। मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, कैसे होगा कॉलेज चेंज? चेंज हो जाएगा मुकेश जी, यदि आपने फर्स्ट ईयर की स्टडी की है तो सेकंड ईयर में प्रावधान होता है, आप कॉलेज वालों को एप्लीकेशन दीजिए अपने ट्रांसफ़र के लिए, वो आपको अपना आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे, आप किसी भी दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन शर्त एक, केवल 1 ईयर ही होना चाहिए, यदि 2 ईयर हो गया तो 3rd ईयर में आप चेंज नहीं करा सकते हैं। विजय कुमार गोदारा जी ने अपने रोल नंबर दिए हैं बीएसटीसी रिजल्ट के लिए। गोदारा जी हमने आपके रोल नंबर ये नोट कर लिए हैं, जैसे रिजल्ट आएगा हम आपके नंबरों को प्रायोरिटी में रखेंगे। अर्जुन शर्मा जी पूछ रहे हैं, तो कब तक आएगा सर? तो अर्जुन जी 5 जुलाई तक इंतज़ार करिए, रिजल्ट आएगा। कान्हा राम रावत पूछ रहे हैं, सर कब तक? तो कान्हा राम जी 5 जुलाई तक इंतज़ार। मुकेश जांगिड़ जी पूछ रहे हैं, कब आएगा रिजल्ट? तो मुकेश जी रिजल्ट 5 जुलाई तक इंतज़ार कीजिए। गोवर्धन सहरिया, ओके धन्यवाद, बहुत बहुत गोवर्धन जी आपका। एग्जाम पॉइंट कह रहे हैं, देखो कब आएगा। राजू भाई, गजब सर, ओहो राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा वीडियो आपकी कमेंट को देख करके। साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल की वीडियो में आपको कोई भी गलत कमेंट मिल ही नहीं सकती, क्योंकि रिव्यू में होल्ड होने के बाद उन्हीं को ही फॉरवर्ड किया जाता है जो संस्कारी हैं, जो हम में विश्वास करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत से नकारात्मक सोच के व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके घर के संस्कार तो अच्छे होते नहीं हैं साथियों, और ना ही उनको कोई एसटी से मतलब होता है। वो हम जैसे जो आप जैसे अच्छे साथी हैं उनको भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे अपने अंदर भी नेगेटिविटी आ जाए। तो आप चिंता ना करें, ऐसी बीमारियों के कमेंट्स अप्रूव्ड आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आप बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ में, शुद्ध भावना के साथ में, विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। अगली हमारी कमेंट है सवाई सियोल, थैंक्स दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सवाई जी आपका। अगली कमेंट कुमारी सुगमा, कब आएगा? तो सुगना जी निश्चिंत रहिए, 5 जुलाई तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगली हमारी जो कमेंट है वो कोमल जी की तरफ से, आज नहीं आए कोमल जी, हमने सुबह ही कह दिया था रिजल्ट आज नहीं आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए,
5 जुलाई तक का इंतजार कीजिए। अनिल कुमार जी पूछ रहे, फर्स्ट सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं सर, मुझे बताएं। अनिल जी आप तो निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ग्रेड देखी हैं, तीनों को पास किया है। बस निश्चिंत होकर जुड़े रहिए। आपको बता देते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए बीएड करिए, तैयारी में जुट जाइए। जितने हायर लेवल पर आप तैयारी करेंगे उतना ईजी आपका सिलेक्शन है। मैंने जितनी मेहनत तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने में की थी, उसका 40% तो मैंने सेकंड ग्रेड के लिए की, और उसका भी 30% मेहनत में, 30 भी क्या कहें, केवल सेकंड ग्रेड की मेहनत से लेक्चरर बनने में और जीआरएफ होने में लगा मेरे को। तो आप जितने लो लेवल पे जाएंगे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप अपना टारगेट ऊपर रखें और निश्चिंत होकर के तैयारी करें। अगली हमारी कमेंट है रवि पंचोली जी, जनरल कैटेगरी में मेरे 171 नंबर हैं आ रहे हैं। तो पंचोली जी ये पूछ रहे हैं लैब असिस्टेंट, तो बिल्कुल सर आप बहुत अच्छी दौड़ में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नवीन सैनी जी पूछ रहे हैं, वेरी नाइस वीडियो, थैंक्स नवीन जी आपको, आई आपकी सकारात्मक सोच का प्रभाव है। सही है भाई पूनम कुमारी, पूनम जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रिंस पुरोहित वेटिंग, बिल्कुल प्रिंस जी वेट कीजिए, वेट में ही सब कुछ है, इंतज़ार करते रहिए। भूपेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं सर इंडिया टीवी न्यूज आज ये, सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इंडिया टीवी न्यूज बता रही थी और हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि रिजल्ट जो है नेक्स्ट वीक में जाएगा। लोकेश कशाणा इसका रिजल्ट, लोकेश जी 5 जुलाई तक। विनोद मेहरा, तो सर कब आएगा विनोद जी, 5 जुलाई तक इंतजार करिए। शंकर सियाग जी पूछ रहे हैं, हाँ सर ये न्यूज बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल न्यूज, कुछ पेपर ज़्यादातर पेपर तो सुबह बता रहे थे आज के लिए, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि नव भारत टाइम्स की जो न्यूज आई थी उन्होंने क्लियर कर दिया था, क्योंकि उनके रिपोर्टर की बीएसटीसी अधिकारियों से बात हुई थी और उन्होंने रिजल्ट का आज जारी नहीं होना बताया था। हरिओम पारिक जी धन्यवाद दे रहे हैं, हरिओम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कानाराम जी, कानाराम चौधरी जी हमारे बहुत अच्छे फैन है और ये हमेशा कमेंट भी करते हैं, इनकी बहुत अच्छी पॉजिटिव कमेंट होती है। तो कानाराम जी रिजल्ट कन्फर्म नहीं आएगा आज, ये आपको हो भी गया होगा हमने सुबह बता दिया था। और कानाराम जी अब रिजल्ट आप 5 जुलाई तक इंतज़ार करते रहिए। वीरू चौधरी जी कह रहे हैं सर ये बताएं रिजल्ट कब आ रहा है, तो वीरू जी 5 जुलाई। राज वर्मा ने अपने रोल नंबर दिए, राज वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपके रोल नंबर नोट करके रख लिए हैं। संजय धाकड़ जी कह रहे हैं टीएसपी की, ये लैब असिस्टेंट से पूछ रहे हैं, तो संजय जी आपकी डिमांड पर हम टीएसपी की भी रख देते हैं, एनालिसिस करना पड़ेगा। जयप्रकाश जी पूछ रहे हैं सर आज बीएसटीसी का रिजल्ट आएगा या नहीं, तो जयप्रकाश जी हमने सुबह ही कह दिया था, अब आपको विश्वास भी हो गया होगा कि आज नहीं 5 जुलाई तक इंतज़ार करिए। धनराज गुजर जी बीएसटीसी का रिजल्ट, धनराज जी 5 जुलाई तक इंतज़ार करिए। कोनू कुमारी पूछ रही बीएसटीसी के एग्ज़ाम में नंबर आते हैं उसके आधार पर काउंसलिंग होती है या काउंसलिंग में न्यू एग्ज़ाम, नहीं नहीं काउंसलिंग में नहीं, आपने जो प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया बीएसटीसी का उसके आधार पर सिलेक्शन होगा आपका, ना कि आपके काउंसलिंग पर। काउंसलिंग तो एक काउंसलिंग का अर्थ क्या होता है, आपको सलाह देना कि सजेस्ट करना कि आपको क्या उचित है, कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं जो आपके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है कपिल गर्ग जी, सर बीएसटीसी रिजल्ट कपिल जी 5 जुलाई तक इंतज़ार करिए। भजनलाल चौहान जी एससी वालों को, तो एससी वालों को जो स्कॉलरशिप की बात है, भजनलाल जी आपकी जितनी ट्यूशन फीस है, बीएड में कितनी ट्यूशन फीस लगती है, बीएसटीसी में कितनी लगती है, इसका हम वीडियो बना चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी बीएसटीसी की अलग और पीटीटी की अलग, उन दोनों में हमने इनकी स्कॉलरशिप के बारे में भी और फीस के बारे में भी डिटेल से बता रखा है। आपको बता दें आपकी जो ट्यूशन फीस है वही इसको जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग रिटर्न करता है, साथ में 250 रुपये के आसपास स्थायी फंड भी पर मंथ देता है। डीजे सॉन्ग वाले पूछे सर बीएसटीसी रिजल्ट 5 जुलाई तक, सर आप ऐसे जिनकी आईडी है सर इनसे रिक्वेस्ट है आप अपनी आईडी जरूर दें और अपना नाम और एड्रेस जरूर दें जिससे हम आपको आइडेंटिफाई कर पाएँ। गोवर्धन लाल जी ने कमेंट किए 8 जुलाई 4 बजे, तो बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन लाल जी आपकी सजेशन के लिए, आपने बताया कि 8 जुलाई को, तो हम 8 जुलाई तक भी इंतज़ार कर लेंगे, आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हम आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपके मैक्सिमम आज के जितने भी कमेंट थे बीएसटीसी पर आधारित उनका रिप्लाई करने का प्रयास किया। अब मेरे सभी समर्थकों से मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आपको प्रत्येक वॉच टाइम व्यू करते ही लाइक ज़रूर करना है, तभी मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँगा, तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा कि मेरे
शुभचिंतक प्रशंसक जरूर वीडियो देखते पसंद करते हैं। बड़ी मेहनत करके मैंने आपके प्रत्येक कमेंट का बिल्कुल लाइव रिप्लाई देने का प्रयास किया है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर देना और साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताना आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार की तमाम अपडेट के लिए और शिक्षा रोजगार जगत से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।